ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ತಗೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ, ಯಾರ ಸತ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸತ್ಯಾರ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು? 1,600 ಮಂದಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂತು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲೇ 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 ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಾಲೂಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂರಿ ಜಾಗ ಸಬ್ ಜಾಗ ಗುಂಪೋ ಸುಸ್ತ ಹೋಗೋ ಬೈಟ್ ಜಾಗೋ ಭರೋಸಾ ತೊಳ್ಳೇಕೋ ಮಸ್ತಾನ್ ಭಯ ಉನ್ ಕೆಪರ್ ಭರೋಸಾ ಕರ್ಕೋ ಎಂತ ಕಾಕೋ ಹಿಂಗ್ ಪೂರೇ ಜನ ಮಸ್ತಾನ್ ಭಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಿಸ್ಕಾ ಭಿ ಭರೋಸಾ ತೋಡ್ರೆ ಇನ್ನಿ ತೋಡ್ತೇ ಭಿ ನೀ ಕರ್ಕೋ ಭರೋಸಾ ಹೇ ಅವ್ರ ಸಬ್ ಕಾ ಪೈಸಾ ದಿಲಾಜಿ ಹಿಂಗ್ ಕರ್ಕೋ ಎ ಬಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ಹೈ ವಾಸ್ತೆ ಪೂರೇ ಜನ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪೂರೇ ಕಾಮ ಧಾಮ ಸಬ್ ಭಿ ಛೋಡ್ಕೋ ಬಚ್ಚಾಂಗು ಛೋಡ್ಕೋ ಜೋರು ಬಚ್ಚಾಂಗು ಛೋಡ್ಕೋ ಎಂತ ಕಾಕೋ ಹಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭರೋಸಾ ತೋಳ್ಲೇನೆ ಜಾನೋಗೋ ಮಸ್ತಾನ್ ಭಯ ಆಪ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ. जो मैं बेंगलुरु का ही हूँ, बेंगलुरु का ही है और कई लोग 5 से 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से और मजबूर आदमी आते हैं. और जो भी उससे पैसा डाले मजबूर आदमी पैसा डाले उसको क्यों करता हूँ महीना महीना पैसा दे बोल को सबको भरोसा दिलाए. और कई ऑटो ड्राइवर से कभी गरीब माँ और कभी बेवा यहाँ पूरे आपको पैसा डाल पाए अपनी बेटी के पैसे शादी करने के वास्ते भी जो पैसा रखे थे डाल को ही क्यों कहता हूँ उन्होंने सपना दिखा था मैं महीना महीना देती हूँ बोल को गलती इनकी क्या दे तुम बहुत धोखा दे रहे नहीं दिए. एक महीना का कुछ आदमी को एक महीना का दिया उसके बाद वो भी नहीं दिए. 11 महीने से खाली वखा पड़ा नहीं कई इसमें जो डाली क्लीन सब पूरा हार्ट जरा हार्ट पेशेंट भी उम्र भी इंतकाल हो गया. इसे पहले के वीडियो भी देखे रहेंगे आप इसी तरह. बात क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासीन है. कौन सी कंपनी में कितने पैसे डाले थे? एम्बिडेंट में 8 लाख डाले थे. 8 लाख रुपए? जी 8 लाख रुपए. और कई हमारे दोस्त साथियों में डाले थे. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जुबैर. मई मार्च के महीने में एम्बुलेंस में 4 लाख रुपए डालते हुए उसके अंदर मुझे 18,000 रुपये एक बार आए. उसके बाद मेरे को 1 रुपये भी दिए नहीं. फ़ोन करने से ईडी राइड हुआ है, आईडी राइड हुआ, आईडी राइड हुआ बोल के बोलने का रहते हैं. जब मैं हमारे अब्बा का एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से मैं वो पैसा उधर डाला. मेरा कुछ भी बराबर नहीं है, मैं बेकार हूँ और हमारा पास ज़यीफ ही हमारा अम्मी नहीं है. उस कारण से मैं इधर डालने की वजह से मैं उसको आता बोल के उम्मीद रखा था अल्लाह के ऊपर. अब वो पैसे नहीं आ रही, अब हमारा कोई सहारा नहीं दे रही. अब अरेस्ट हो गया है ना अभी? अब उसका अरेस्ट हो या हमारा कोई तो कुछ भी अरेस्ट हुआ तो क्या फायदा? पैसा तो फायदा नहीं हुआ ना, पैसा तो नहीं आ रहा है. नहीं, वो बोल रहे हैं कि पुलिस कमिश्नरेट बोल रहा है कि वही बोले कि मैं उम्मीद दिलाए कि हम तुम्हारा पैसा वापस दिलाएंगे, इन्वेस्टर का पैसा वापस देंगे बोल के. अब तक तो अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखे. आप अल्लभ कुमार के ऊपर भी वही बोल रहे हैं कि हम अरेस्ट कर रहे हैं, अब उनके पास पैसा आता होता कोई भी आया. आपका नाम? सैयद. कहाँ से? आप बेंगलुरु से. अब ऐसा धोखा दिया तो उसे बेल अलग मिलती है. गवर्नमेंट ऐसा कैसा उसे बेल दिया? अब गवर्नमेंट को अच्छा मालूम इतने महंगे पैसे अटक को ही सब मजबूरों से डाले कौन भी पैसे वाले डाले नहीं क्या किए घास में डाला ले अटक गए. अभी गवर्नमेंट को मालूम रखो कि उसने बेल को है अभी बाहरी छे. अब उसने हमारे पैसे किसके बाप के पैसे समझ के जनार्दन रेड्डी को कहते 18 करोड़ जिसे देखे कहते 550 किलो सुनना देखो है उसे किसके पैसे उसे भी दिया जाए. और जो उसके अकाउंट में फ्रीज हो को ही एटलीस्ट वो गवर्नमेंट रिलीज करे पैसे. एटलीस्ट हमारे कितने की पैसे आ जाते देते बोल रहे देते बोल रहे कब देती कब देती मालूम है. खाली उन्हें बेल को है उन्हें बेल को है हमारे पैसे को ही. वो फरी एम्बिडेंट के फरीद के पास गए थे आप? नहीं कभी मिले नहीं उन्हें कभी मिले नहीं. उन्हें हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना है. हाँ कमिश्नर ऑफिस को एक बार हमें गए थे पुलिस अंदर ही जमाई नहीं हमने जहाँ खंडा नहीं चले जो है भेज डाले. नाम आपका? नवीद अहमद. कहाँ से आपको? हमें यहाँ अरबी कॉलेज. कितने इन्वेस्ट है आपके इसमें? मेरे साथ ही मेरे दोस्तों की 5-12 लाख रुपए. ओके ठीक है शुक्रिया. अस्सलामुअलैकुम, एम्बिडेंट का मैसेज बोल रही हूँ. इतने आदमी ये भरोसे से डाले ऐसा इन्होंने नहीं करना था. आस दिलाना बड़ी बात थी, कई को ऐसा धोखा करना था. कितने के आंसू कितने के खून इसमें बह रहे हम ना मालूम. कौन कितना इससे रोरिंग कैसा मालूम. ऐसा काम नहीं करना था. एक मुसलमान को ऐसा धोखा नहीं देना था.
मालूम है, नहीं देना था धोखा ऐसा। जब तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है तो क्या वास्ते करे बिजनेस के करे, क्या वास्ते करे, किसका माल कर को करे बोलो। तुम्हारी जिंदगी का पूरा बैग सुनाए ना हम, ना हमें भरोसा करे ना, अब हमें किसे जाकर बोलना। नहीं करना था ऐसा तुम्हें, सरासर सख्त गलत तुम्हें करी सो। कहते हैं की हाल अच्छे की मालूम नहीं, मंजे तो ऐसा खून पकता है, अगर से मिल गया तो खूब मार डालूंगी मैं तो। मालूम है कौन सैडा बेच को, कौन घराम बेच को, कौन किसके शादियों के पैसे सब उठा को यूज कर को ही। कौन सा भरोसा पर तुम्हें लिया, किसका बाप का माल कर को लिया तुम्हें बोलो। जान दे आपका नाम मा? शबाना आरिफ। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट है आपके? कितने पैसे इन्वेस्ट है मैडम आपके? 8 लाख हमारे भाई डाली, हमें 1 लाख रुपए डाली, पूरे 9 लाख रुपए आपके हैं? 10 लाख रुपए ही, अभी 10 लाख रुपए ही हमारे तरफ के, अच्छी नहीं को तो अभी 25-30 आदमी डाल को ही, 1 करोड़ के ऊपर ही। कहाँ से आप? कहाँ से? बेंगलुरु से है या बाहर? बेंगलुरु से। कौन से एरिया मैडम? गुरुपन पड़िया। ओके। उनसे 5 लाख रुपए ही, जब कभी पैसे खींचने जाते हैं बोलते हैं आज नहीं सभा हो, सभा नहीं परसों हो, बोलते चेक दे डाली, चेक डाले तो पहुंच हो गई, पैसे देरी नहीं बिल्कुल भी, गए तो बॉडी गार्ड्स को रख लेती, अंदर एंटर होने देती नहीं, हमने ओनर से बात ही छोड़ने देती नहीं, अंदर गए तो बॉडी गार्ड को रख लेती, बाहर का बाहर भेज दो, रउडीजम बताती हूँ, बॉडी गार्ड को रख लेती, अंदर एंटर होने देती है। और पैसे जो बर्थडे पार्टी किसका था, बर्थडे हुआ एम्प्लॉय का, ओनर को एक कार गिफ्ट देते, सुनो किसके पैसे ये? हमारे पैसे से गिफ्ट दे रही है। ओनर का किसका थे बर्थडे को से भी, वॉचमैन का बर्थडे हो, पूरे जितने भी इंजास की जितने भी ब्रांचेस बैंगलोर में सब बर्थडे। कंप्लेंट करी जी? कंप्लेंट करी आपने कोई? कंप्लेंट नहीं करे, कंप्लेंट किसे करना, इंजाज में जा जाको बोले लड़को आगे। नहीं नहीं, पुलिस में कंप्लेंट करी? पुलिस ना सुन लेते, पुलिस तो एंटरटेनिश नहीं कर रही, दूसरी कंपनियों के खिलाफ FIR लिखा है ना, हमने अंदर एंटरटेनिश नहीं करे, अंदर लिएस्ट नहीं हमने पुलिस वाले। और छोटी छोटी बात को बड़े मनाती है, किसके पैसे से माने रहे हमारे? नहीं, पैसे वो मसला क्या है? मसला है हाइब्रिड पैसे डाले कभी मिले नहीं हमें, गए तो भी कभी बंद रहता है, और उन्होंने गुंडे अंगों को हमना बाहर हका, और एक से 3-4 बार गए तो पैसे नहीं मिलते, और एक है सो, और हमारे सरकारों को जो तो कर्नाटक के ऑफिसर रही मेरे तरफ से नमस्कार और क्या अल्लाह, और ये नम स्वल्प नम हण अल्लाह होगबिटे ನಮಗೆ ಹಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ ದಯ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐತೆ, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಐತೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಾಡಿಗೆ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ।